मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज तो फ्राइडे है, तो आज तो जुम्मा है, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। आज मतलब सुबह को ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा दिन लेट हो गया। तो मेरे हस्बैंड भी जिम से आ गए, मैं सुबह को तो घर साफ कर रही थी। तो आज देखें, ये देखिए हमारे घर में ये क्या आ गया। देखिए ये सब क्या है, तो आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। तो ये सब है कंबल, जो हमारे ऑनर है ना, तो मतलब वो लोग ये सब कंबल जाके जो गरीब है ना, गरीबों को जाके दान करेंगे, तो दे देंगे। मतलब बहुत दूर जगह जाएगा ये कंबल, तो उन लोगों का तो ऊपर है ना घर। तो आज मतलब कंबल सब आ गया, तो अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे रख दो, दो दिन रखना है, दो दिन के बाद लेके जाएंगे। तो इसलिए मतलब उन्होंने यहाँ पे रख दिया वो कंबल, तो दो दिन के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को देना है। तो दो दिन फिर ऊपर चढ़ाएंगे, फिर नीचे उतारेंगे, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है ना। तो इसलिए मतलब मैंने कहा ठीक है रख दो, मेरा ऐसे भी बरामदा यही खाली है, थोड़ा दो दिन ही, तो दो दिन ऐसे चल जाएगा बस। तो इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, बहुत सारे कंबल हैं और भी है ऊपर में लेके गए, यहाँ पे तो इतना जगह नहीं है ना, थोड़ा बहुत रखा है। तो बस यही था, ये सुबह को हो गया और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आज मतलब मेरे हस्बैंड ने भतुआ साग लाया है, तो सुबह को जाके भतुआ साग, तो फिश तो है घर में, तो वो फिश से खाना है। तो मैं अभी वही बनाऊंगी, आज भतुआ का साग बनाऊंगी और देखते हैं आज दिन भर क्या होता है। तो आज का जो ब्लॉग बना रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अगर शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को बहुत देख रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट पर लिख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं अपने आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, मैं भी अभी थोड़ा ठीक हूँ, पहले से बेटर है मेरा। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, ये देखिए मैं अपना फिल्टर साफ कर रही थी, तो देखिए कितना गंदगी निकला है। देखिए इतना आयरन है, देखिए अब कितना, ये देखिए इतना खान। मतलब मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ, उस दिन ही आप लोगों को दिखाया नहीं था, उस दिन भी मैंने साफ़ किया था, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। देखिए कितना, मतलब कितना ये, तो कितना देखिए कितना गंदा पानी है। देखिए तो अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अभी पानी निकल के देखा है आपने, देखिए कैसा इतना गंदा हो, जो इतना आयरन है ना यहाँ पे, मतलब बहुत आयरन होता है। देखिए तो ये सब मतलब मुझे अभी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है, इतना तो ज़्यादा मैं कर नहीं पाती, मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि पूरा खोल के साफ़ कर लेते हैं। तो मैं जितना हो सके, मेरे हस्बैंड भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं जितना हो सके कर ली हूँ। क्योंकि ये जो फ़िल्टर का जो ये कैंडल होता है ना, इसको पूरा खोलना होता है, तो ये खोल के मतलब मुझे ये लगता है कि ये टूट वूट ना जाए, फिर टूटने से फिर और एक लेके आए, वो भी गर्म पानी में बॉईल करो, बहुत मतलब काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे कर लेती हूँ, बहुत साफ़ कर लिया मैंने, देखिए किस्सा था अब कैसा हो गया। तो बस ऐसे ही साफ़ करती हूँ ये फिल्टर, इसको भी अभी धोना है, इसको भी धो लूँगी मैं, इसको पानी अब रख के फिर इसको भी धो लूँगी। यही असल में तो यही है ना, इसको साफ़ करने से अभी पानी अच्छे से गिरेगा, साफ़ नहीं होता ना तो पानी अच्छे से नहीं गिरता ये नीचे में, तो इसलिए साफ़ करना करा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैं आज भतुआ साग बनाने जा रही हूँ। क्योंकि ये जो भतुआ साग है, आप लोग पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो, लेकिन मैं मतलब ये जो भतुआ साग बनाने से पहले ये ऐसे बॉयल करती हूँ, क्योंकि ना इससे इसका एक मतलब महक आता है, जो बॉईल करने से मतलब वो चला जाता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं हम लोग बॉईल करके ये पानी को फेंक देते हैं, थोड़ा सा बॉईल करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये मैंने जो बॉईल है फिश का बॉईल वो बना लिया है, आप लोग तो दिखाया था पहले, आप लोग आगे पहले जो वीडियो डाला है उसमें जाके देख लीजिएगा बॉईल मैंने कैसे करती हूँ मैं। तो ये बॉईल बना लिया है, इसमें मैं ये देखिए जो
मतलब बॉईल करके रखा हुआ है बथुआ साग, इसको मैं दे रही हूँ। ये देखिए मैंने निचोड़ के रखा था, पानी वानी सब निचोड़ के रखा था, इसको ऐसे करके बंद दे दूँगी। तो और ये देखिए आलू, नया आलू देखिए कितना अच्छा है, छोटा छोटा आलू, इसको धो लिया है मिर्ची के साथ, मिर्ची भी दूंगी क्योंकि थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये हो गया, तो इसमें थोड़ा हल्दी कम हो जाएगा तो थोड़ा हल्दी भी डालेंगे, क्योंकि मैंने जो बॉईल पे डाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से मतलब मिला लेंगे। कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, पहले भी दिखाया था कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस अभी थोड़ा सा नमक दे दूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो ये देखिए ऐसा ऐसा करके बनेगा पूरा। अभी इसको सुखाऊंगी, पूरा झोल जो है उसको पूरा सुखा दूंगी, आप लोग देखिएगा, मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ऐसा ही पकाते रहेंगे बस, लास्ट में जाकर धनिया पत्ता ऐड करना है। देखिए ऐसा बनता है, ये मैंने पूरा झोल सुखा दिया, कुछ भी नहीं है, देखिए थोड़ा थोड़ा झोल है ऐसा ही, मतलब ये धनिया पत्ता डाल दिया है, फिर इसको भी ऐड कर दिया है, बस ऐसा ही मतलब बनाते रहना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसा झोल होगा। अभी इसको गैस को बंद कर देंगे, अभी हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बहुत देर के बाद आई हूँ, तो मैं ये जो हम लोग का रेशन का दुकान है, मतलब जो ग्रोसरी लेते हैं, तो थोड़ा दूर आए हम लोग, क्योंकि जहाँ पे लेती हूँ ना वहाँ पे सारा सामान नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत मिलता है, तो मैं वहाँ पे नहीं मिला तो मैं यहाँ पे आ गई, ये होलसेल का दुकान है, तो अभी मैं ये सब ले लेती हूँ सामान, तो फिर आपसे मिलती हूँ घर पर जाकर आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ चुकी हूँ, आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा ग्रोसरी मतलब क्या कुछ सामान लेने के लिए गई थी, और बच्चों को मतलब बाहर कुछ खाना था तो उन लोगों को थोड़ा खिलाया, तो वही इसलिए थोड़ा सा बाहर गई थी। तो आ गई मैं बाहर से, तो मैं मतलब ग्रोसरी के दुकान में जो जेली, मेरा जेली बॉटल ख़त्म हो चुका था बच्चों का, उन लोग मतलब ब्रेड में जेली लगा के खाते थे, तो वो जेली चाहिए उन लोगों को जेली, और मेरे हस्बैंड का वो पीनट बटर नहीं था, तो यहाँ पे ना जल्दी से पीनट बटर नहीं मिलता है, थोड़ा मतलब दूर जाना पड़ता है, तो थोड़ा दूर गई थी वो लेने के लिए, तो होलसेल का दुकान में सब मिलता है, तो वही दुकान पे गई थी। तो वहाँ से मैं आ गई और थोड़ा सा सब्जी की सब्जी भी ली, थोड़ा बहुत सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं था, तो ये सब और क्या दिखाऊँ, बैंगन वगैरह लिए थे, तो बस वैसे ही। तो अभी मैं देखिए आज तो मैंने मतलब इतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं दिन भर, तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को हेल्थी टिप्स देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों को कोई हेल्थी टिप्स मैंने नहीं दिए, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मैं हेल्दी टिप्स मतलब शेयर करूँगी, क्या आज का हेल्दी टिप्स होगा वो भी अभी जान जाएंगे आप लोग। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी आ चुकी हूँ थोड़ा बहुत देर बाद, तो अभी तो आज तो मैंने रात का कुछ नहीं मतलब रेसिपी शेयर किया, क्योंकि मुझे आप लोगों से ये मतलब हेल्थ टिप्स देना है आप लोगों को। तो ये हेल्थ टिप्स आज क्या देने वाली हूँ आप लोगों को, आज आप लोगों को देने वाली हूँ मेथी के फ़ायदे। तो मेथी दाना तो आप सबको पता है, किचन में तो यूज़ होता ही है, मेथी दाने खाने में भी आप लोग लेते हो, तो ये मेथी दाना तो आप लोग लेते हो, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या है, थोड़े बहुत जानते होंगे आप लोग क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन सब जानोगे तो कल से लेना शुरू कर दोगे आप। तो आप इसमें क्या क्या है, क्या क्या मिलता है, और इसके क्या क्या, ये खाने से क्या क्या मतलब आप लोग की बीमारियाँ दूर होगी, वो आज मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू कर। तो ये जो मेथी दाना है, मेथी दाने में का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर आदि पाया जाता है इसमें। ये मेथी दाने में बहुत मतलब विटामिन और जरूरी तत्व भी पाया जाता है, तो विटामिन बी सिक्स, विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड और नियासिन और फेम्बोफोलिन शामिल है इसमें। तो
तो ये मेथी दाने में कई प्रकार के मेथी दाने में फाइटो न्यूट्रिएंट भी मिलता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन ये पेड़ पौधों में तो मतलब ये पेड़ पौधों को फंगस और बीमारी से तो बचाता है, लेकिन हाँ हमें भी मेथी मतलब ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये फाइटो न्यूट्रिएंट पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये पेड़ पौधों को फंगस और बीमारियों से बचाता है। लेकिन हमारे लिए भी बहुत लाभदायक है, ये फाइटो न्यूट्रिएंट होने के वजह से बहुत लाभदायक है। जब हम इसको भिगोते हैं, मतलब मेथी दाने को जब पानी में भिगोते हैं, तो ये मतलब जो उसमें जो मिसुलेस नाम का जो तत्व होता है वो मतलब पूरा फैल जाता है, मतलब जेल टाइप का बन जाता है, आकर पानी में घुल जाता है। तो वो जब हम पानी लेते हैं, जब पानी पीते हैं, तो वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर शरीर को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आना, तो कमज़ोरी आने जब हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है तो हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे, इतनी कमज़ोरी हो रही है हमारे शरीर में, तो तब आप लोग क्या करेंगे, ये मेथी के जो पत्ते हैं, या फिर आप लोग मेथी के पत्ते अगर ना मिले, पत्ते को आप लोग पीस कर भी आप लोग आप मेथी के पत्ते के सब्जी के रूप में भी खा सकते हो। अगर मेथी के पत्ते ना मिले तो आप उसके मतलब बीज को पाउडर बना के भी, मेथी के बीज को पाउडर बना के भी आप लोग नियमित रूप से रोज़ लिया कीजिए, तो शरीर में ताकत बनी आएगी, कमज़ोरी दूर हो जाएगी आप लोगों की। तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आना, तो कमज़ोरी आने जब हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है तो हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे, इतनी कमज़ोरी हो रही है हमारे शरीर में, तो तब आप लोग क्या करेंगे, ये मेथी के जो पत्ते हैं, आप मेथी के पत्ते के सब्जी के रूप में भी खा सकते हो। अगर मेथी के पत्ते ना मिले तो आप उसके मतलब बीज को पाउडर बना के भी, मेथी के बीज को पाउडर बना के भी आप लोग नियमित रूप से रोज़ लिया कीजिए, तो शरीर में ताकत बनी आएगी, कमज़ोरी दूर हो जाएगी आप लोगों की। तो मेथी दाने खाने से तीसरा फायदा क्या है, आप लोग आपके स्तन, जो लड़कियां होती है या फिर महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जो मतलब शादी हुए हैं उसको भी बोल रही हूँ, उनको भी बोल रही हूँ, और जो मतलब लड़कियां हैं उनको भी बोल रही हूँ, किसी को स्तन छोटे होते हैं, आकार विकसित नहीं होता उसका, उन लोगों का मतलब स्तन का आकार छोटा होता है, तो उन लोग चाहते कि मेरा स्तन भी मतलब बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, स्तन सुडौल हो, मतलब स्तन के सौंदर्य को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो आप लोग मेथी का रोज़ सेवन कीजिए, मेथी का पत्ता जो होता है उसका सब्जी बनाकर खाइए, या फिर आप जैसे भी करके आप मेथी के पत्ते को आप अपने खाने में डाइट में शामिल कीजिए। और ये जो मेथी का जो आपका मेथी दाना है, बीज है, इसके दाने को आप पीस लीजिए, पीस करके थोड़ा सा पानी देके पीस करके उसको स्तन पे लगा के एक लेप जैसा बना के रखिए, तो थोड़ा टाइम रखने के बाद उसको धो लीजिए। ऐसा ही करेंगे तो आपका स्तन भी मतलब सुडौल होगा, बड़ा होगा और सुंदर भी दिखेगा आपका स्तन। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, कोई महिला अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है लेकिन उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चा भी बड़ा हो गया लेकिन दूध नहीं सूख रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सोच रहे हो क्या दूध तो निकल रहा है, दूध भी नहीं सूख रहा है, बच्चा तो अभी दूध नहीं पीता, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो मेथी का जो पत्ता है वो भी आप लोग खाइए, वो खाने से भी आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और खाए भी कीजिए, मेथी के पत्ते को खाए भी कीजिए और मेथी के पत्ते को पीस कर स्तन पे लगाया कीजिए, तो ये प्रॉब्लम भी आपसे दूर हो जाएगी, सूजन या दर्द अगर आपके स्तन में होता है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये है तीसरा नंबर। तो चौथा नंबर पे क्या है, तो चौथे नंबर पे पाचन तंत्र। पाचन तो आजकल लोग तो सभी को पाचन की डाइजेस्ट नहीं होता है कि सबको ये प्रॉब्लम होती है, तो ये पाचन तंत्र, ये मेथी दाने खाने से भी आपको पाचन तंत्र को फायदा मिलता है, ये पेट की आंतों की जलन, सूजन आदि से राहत देता है आप लोगों को। ये जो मेथी है, मेथी में जो फाइबर है, इससे ये मेथी में फाइबर रहने के कारण ये आंतों की सफाई करता है और कब्ज की बीमारियां भी दूर करता है, कब्ज बीमारियां वो सब दूर हो जाता है, और आंतों की सफाई कर कब्ज़ को मिटाता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों को मजबूत भी करता है, और भूख बढ़ जाती है, तो
भूख जिनको नहीं लगती उनको भी भूख लगने लगेगी, क्योंकि बहुत किसी को ऐसी बीमारी है कि भूख नहीं लगती है। तो उन लोगों को बोलती हूँ ये मेथी दाना खाया कीजिए आप लोग, वो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा, भूख लगने लगेगी। तो ये मेथी दाना खाने से भी मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और इससे कमजोरी भी दूर होती है और शरीर की जो कमजोरी होती है वो भी दूर होती है। ये मेथी खाने से जो हमारे पेट में जो कृमि वगैरह, कृमि तो आप लोग जानते हो छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है कृमि, तो ये जो मेथी खाने से ये कृमि जो पेट में इतना हलचल करती है कृमि वो भी नष्ट हो जाते हैं। और कब्ज की बीमारी, पेट की बीमारी, जितने भी मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, उससे राहत मिलेगी ये मेथी दाना खाने से। और ये मतलब भूख को बढ़ाती है, पेट साफ करता है, बहुत तरीके से मतलब पाचन क्रिया में मदद मिलता है इसको, आप लोग ज़रूर लिया कीजिए। और तो ये आप लोग खाएंगे कैसे, ये पाचन तंत्र को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग खाएंगे कैसे? तो कोई कोई क्या करता है, सुबह को रात को भिगो कर रखता है मेथी के दाने, तो और सुबह को वो पानी भी पी जाता है और वो मेथी के दाने भी खा जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ, तो इसको खाना कैसा है, ये मेथी के दानों को 4 घंटे पानी में भिगो कर रखें, तो उस पानी को आप लोग खाने में भी इस्तेमाल करें और वो जो खाने में मतलब जो आप लोग सब्जियां बनाते हो उसमें ऐड कर दीजिए उस पानी को, और जो मेथी है उसको आप चबा के खाइए, तो ये जो बीमारियां है उससे राहत मिलेगा आप लोगों को। तो ये हो गया। तो उसके बाद है किडनी, टॉक्सिन फ्री किडनी। तो किडनियों से संबंधित बीमारी तो आप लोग जानते हो किडनी के वजह से कितना बीमारियां होती है, अगर किडनी अगर स्वस्थ ना रहे तो कितना बीमारियां होने लगती है अपने बॉडी। ये किडनी की बीमारी कब होती है, जब विटामिन की कमी होती है तब किडनी की बीमारी होती है। तो विटामिन की कमी आप लोग कैसे जानेंगे, मुंह में छाले पड़ जाना, क्षय रोग, अस्थमा, ऐसे बीमारियां आपके किडनी अगर स्वस्थ ना हो तो ये सब बीमारियां देखने को मिलती है और विटामिन की कमी से होती है। तो ये सब आप लोग मेथी के दाने के सेवन से आप लोग ये सब ठीक कर सकते, किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं। पहले भी बताया था जे ये बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन के लिए, विटामिन मिलता है ये मेथी के दाने में। तो आप लोग ज़रूर मेथी के दाने को ऐड कीजिए अपने खाने में, तो ये जो किडनी की जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो विटामिन कम होने से जो बीमारी होती है, तो वो सब आप लोग को ठीक करेगी ये मेथी के दाने खाने से। तो ये मेथी के दाने खाने से जोड़ों का दर्द, अथराइटिस, गठिया, जो ये सब बीमारी है वो सबसे भी राहत मिलता है। तो आप जो जॉइंट पेन अगर होता है आप लोगों को, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह आप लोग 1 गिलास गर्म पानी में, वार्म वाटर में 1 चम्मच मेथी के दाने को पीस लीजिए, मेथी के दाने को पाउडर बना लीजिए और उसमें मिला के आप लोग खाइए, वो पानी को पीजिए, तो ये इसमें राहत मिलता है ये जॉइंट पेन में। और आटा, गुड़ और जो मेथी के पाउडर बना लीजिए, आटा तो है, आटा और गुड़ इसको मिला के आप लड्डू बनाइए, तो ये खाने से आप लोग जो आपका अथॉरिटीज, जोड़ों का दर्द, उसमें आप लोगों को राहत मिलता है ये खाने से। तो ये जो मेथी के दाने जो लड्डू बना के आप लोग खाने के लिए, ये खाने से आप लोग का जो हड्डियाँ, किसी को एक्सीडेंट होता है, हड्डियाँ टूट जाती है, हड्डियाँ जोड़ने में टाइम लग रहा है, तो ये लड्डू खाए कीजिए आप लोग, तो इसमें ये आप लोग हड्डी जल्दी से जुड़ जाएगा आपका। तो ये सब फ़ायदा मिलता है जोड़ों के दर्द, गठिया, अथॉरिटीज और ये हड्डियाँ जोड़ने में, तो आप लोग ज़रूर खाया कीजिए मेथी को। और मासिक धर्म में भी फ़ायदा मिलता है, मासिक धर्म की जो महिलाएं हैं जिसमें पेट दर्द होता है, जो मासिक धर्म रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म टाइम से ना होना, लेट होना या फिर पहले होना, बहुत पहले होना है, किसी को पहले तो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मतलब ज़्यादा पहले होने से नहीं, कुछ दिन पहले होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर किसी को मासिक धर्म ज़्यादा लेट होता है, टाइम से नहीं होता है, तो उन लोगों को मेथी दाना खाना चाहिए। ऐसे ही आप लोग जैसे पानी में रात को भिगो के ऐसे पानी में भिगो लीजिए, उसको पानी को भी पिए और मेथी दाने को भी चबा के खाइए। कि मासिक धर्म रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द, नीचे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और आपका टाइम से मासिक धर्म ना होना, ये सब भी आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ये मेथी दाना खाने से। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात सब तो फेस पे जो झाइया आती है, झाइया की तो आप लोग बहुत सारे ऐसे मतलब महिलाएं हैं, लड़के भी हैं, तो जो जिनको समझ में नहीं आता क्या करें, ये झाइया तो हो गई है, क्यों हुआ है, ये सबको उनको मतलब कितना भी क्रीम लगा लो ठीक नहीं होता, तो आप लोग क्या करेंगे, ये झाइया मुख फेस की खूबसूरती को बनाने के लिए आप लोग मेथी को पीस लीजिए। पीस के वो मेथी पेस्ट को आपके फेस पे लगाइए, उसको सूखने दीजिए, उसके बाद उसको धो लीजिए। ऐसा आप लोग करते रहिए तो आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम से निजात मिलेगी आप लोगों को। और अगर आप लोगों को परमानेंट अगर आप लोगों को झाइया अगर ठीक करना है तो आप लोग जो मेथी के पाउडर पीस लीजिए, मेथी को पीस लीजिए, उसमें आप लोग मक्खन मिलाइए, मक्खन बटर, इसको मक्खन मिलाइए, मिला के आप लोग उसका पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के उसको फेस पे लगाइए, देखिएगा आपका जो झाइया है फेस पे जो झाइया है वो भी आपको दूर हो जाएगी, पूरा आपको चेहरा साफ दिखेगी, चेहरा खिल उठेगा आपका। और इम्पोर्टेंट धूम्रपान, जो धूम्रपान करते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो नशा जो भी नशा हो जो करते हैं, उनके लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग एक आप लोग को कैसा खाना है, जिसको अगर ये छुड़ाना है नशे की आदत को अगर छुड़ाना है तो उस जो भी हो शराब पीना हो मतलब ये धूम्रपान करना हो या गुटखा वगैरह जो भी नशे की हालत आदत हो वो अगर छुड़ाना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग को क्या करना है, एक 125 ग्राम मेथी दाने को आप लोग एक कप पानी में भिगो के रखिए, भिगो के सुबह को आप लोग वो पानी को फेंक दीजिए और जो मेथी दाना है उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, नींबू निचोड़ के उसको आप लोग अच्छे जगह पे सुखा लीजिए, तो आप लोग पाउडर भी बना के खा सकते हो, आपको नींबू निचोड़ना पड़ेगा, नींबू निचोड़ के उसको सुखाना पड़ेगा, वो मेथी को सुखा के फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग चबा के भी खाइए, रख लीजिए अच्छे से जगह पे कंटेनर में रख लीजिए, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके चबा के खाइए, तो देखिए आपका जो नशे की जो आदत है ना वो चली जाएगी, वो नहीं रहेगी आप लोग। तो इस टाइम पे तो आप सर्दी जुकाम बीमार वगैरह तो होते ही रहता है इस टाइम पे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो ये मेथी दाना खाना चाहिए। मेथी दाना को कैसे खाना चाहिए आप लोगों को, ये जो मेथी के दाने हैं इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, थोड़ा सा नींबू मिलाइए, इसको मिला के उसको खिला दीजिए, जो आप लोग खाइए, इसको खाया कीजिए, तो आप लोग सर्दी खांसी नहीं होगी, आपके शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और कोई बीमारियाँ भी नहीं होगा आप लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों, जो किडनी स्टोन, गोल्ड ब्लडर स्टोन, स्टोन जिसको होता है किडनी स्टोन, गोल्ड ब्लडर स्टोन, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो उन लोगों को ये अगर खाएंगे तो आपको पूरा गल जाएगा, जो पत्थर है वो पूरा गल के आप लोग निकल जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को कैसा खाना है, इसको मेथी को रोज़ आप लोग क्या करेंगे, ये मेथी के दाने को पाउडर बना के ठंडे पानी में, गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी में आप लोग इसको रोज़ लिया कीजिए, एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर और आपका एक ग्लास पानी, उसको रोज़ लिया कीजिए, देखिए आप लोग पत्थर जो आपका किडनी स्टोन, गोल्ड ब्लैडर स्टोन जो भी है वो आप लोग गल जाएगा, गल के आप लोग को मतलब निकल जाएगा, तो उसमें ठीक हो जाएगा, राहत मिलेगी आप लोग। और आप लोग और एनीमिया, जो खून की कमी, जिनको जिनको खून की कमी है उसको मेथी दाना, अगर मेथी पत्ता मिलता है, मेथी की सब्जी अगर आप खाइए तो बहुत अच्छा है, मेथी को सब्जी बना के खाइए, जैसे भी करके खाइए, नहीं तो अगर पाउडर को आप पानी के साथ लीजिए खाया कीजिए, तो खून की वृद्धि होगी, खून की कमी को पूरा करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर तो जानते हैं, ब्लड प्रेशर तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेथी दाने का सब्जी को खाया कीजिए रोज, और ये पाउडर को भी आप रोज़ सुबह को इस्तेमाल कीजिए पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, तो आप लोग को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, तो इसमें राहत मिलेगी। तो ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करना चाहते हो आप लोग, ऐसे भी खा सकते हो, और एक ये जो जट से आप लोग वो काम करे, मेथी दाने को पीस लीजिए, पीस के थोड़ा पानी में ऐड कीजिए, आप लोग जैसे चाय बनाते हो उसमें ऐड कीजिए, और उसमें दालचीनी दीजिए और एक टुकड़ा मतलब अदरक दीजिए, उसको उबालिए, उसको उबाल के चाय जैसे पीते हो ऐसे चाय बनाइए, चाय बना के पिए, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात, यौन शक्ति को बढ़ाता है, लड़के को
लड़कों के ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, यौन शक्ति को कैसे बढ़ाए, यौन शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो आप लोग क्या करें, ये मेथी के दाने को सेवन कीजिए आप लोग। तो ये जो यौन शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग क्या कीजिए, आधा चम्मच मेथी का पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर उसको लेके आप लोग गरम, थोड़ा सा गरम दूध के साथ आप लोग रोज़ लिया कीजिए, पूरा एक महीने आप लोग लिया कीजिए, देखिए आप लोग को ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, यौन शक्ति में बढ़ोतरी होगी। सौंठ का पाउडर और मेथी दाने का पाउडर 2-3 बार दिन में खाया कीजिए, तो ये यौन शक्ति में आप लोगों को बढ़ोतरी होगी, आप लोगों को ये प्रॉब्लम झट से मिट जाएगी। ये मेथी दाने को आप लोग जो वेट लॉस करना चाहते हो वो वेट लॉस में भी मदद करता है। आप लोग ये मेथी दाने को ऐसे ही आप लोग सुबह को खाली पेट आप लोग मेथी दाने को पानी को भिगो के रखिए, रात को ऐसे आप लोग चबा के मेथी दाने को खाइए और पानी भी पिए, तो ये जो आप लोग को वेट लॉस में आप लोगों को मदद करता है, वजन कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा वजन कम हो जाएगा, वो नहीं, आप लोग वो जो आपको वेट है वो कंट्रोल में रहेगा और जिसको वजन कम करना है उसका कम हो जाएगा, तो इस सब से भी राहत मिलेगा। और डायबिटीज़ रोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ जिनको है वो लोग भी ये मेथी के दाने को अपने खाने में शामिल कीजिए, तो इससे आप लोग को निजात मिलेगा। आप लोग गर्म पानी से भी खाइए, ठंडा पानी से भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको अगर चबा कर आप लोग रोज़ खाए कीजिए, तब भी आप लोग शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो ये मेथी दाने को ऐसे भी, मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेथी दाने को ऐसे भी चबा के अगर खाइए, तो मैंने अभी देखिए ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा सब समझाने जाऊंगी तो, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां हैं जो इसके ये मतलब मेथी दाना खाने से ठीक होता है, लेकिन ये सब मैं अगर सब बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग मेथी दाने को रोज़ अगर चबा चबा के खाया भी कीजिए थोड़ा थोड़ा करके, तो आप लोग की बीमारी, आप लोग खुद सोचेंगे कि आप लोग की बीमारियाँ दूर हो रही है। जो भी बीमारियाँ हैं, बहुत सारे बीमारियाँ हैं जिससे ये दूर होती है, लेकिन मैं इतना सब नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए जो जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो बोल दिया मैंने। तो वो सब आप लोग किया कीजिए, आप लोग मेथी दाने को खाए कीजिए सब्जी बनाकर, या फिर आप लोग ऐसे पानी के साथ लीजिए, जैसे बोला ऐसे खाए कीजिए, तो आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।